हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 कलर का फैब्रिक यूज़ किया है, क्रीम और रेड कलर का फैब्रिक। इसके लिए मैंने सनील का फैब्रिक यूज़ किया है। इस ड्रेस में घेरे की चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है और सेंटर में से मैंने 2 इंच गोलाई में काटा है, जहाँ पे हम इसके जहाँ पे अपने ड्रेस की चोली को अटैच करते हैं। इस ड्रेस को मैंने स्टोन चैन, बॉल चैन और स्टोन से डेकोरेट किया है। इस ड्रेस को बनाना शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह के ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम टेट्रोन के 2 पीस राउंड में काट लेते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े वाले पीस को हम 8 इंच का काटते हैं और छोटे वाले पीस को 4 इंच का काटते हैं। अब हम बड़े वाले पीस को 2 पीस में फोल्ड करते हैं, फिर इसे 4 पीस में फोल्ड करते हैं और फिर इसे 8 पीस में फोल्ड कर लेते हैं। 8 पीस में फोल्ड करने के बाद हम इसे सेंटर में इस तरह निशान लगा लेते हैं और दोनों साइडों में आधा आधा इंच की दूरी पे हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह आधा आधा इंच की दूरी, आधा इंच से थोड़ा सा कम ले लेते हैं, आधा आधा इंच की दूरी पे हम थोड़ा थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं और इस तरह से एक पत्ते की शेप दे देते हैं। इसी तरह हम छोटे वाले पीस को भी कर लेते हैं। पहले 2 फोल्ड करते हैं, फिर गोले को आधा करते हैं, फिर इसे इस तरह फोल्ड करते हैं, इस तरह 8 फोल्ड इसके भी हो जाते हैं। इसी तरह इसमें भी हम इसी तरह पत्ती की शेप बना लेते हैं। पत्ती की शेप बनाने के बाद हम दोनों पीस को, सभी पीसों को इसी शेप में काट लेते हैं। इस तरह हम इसे यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद हमारी ये कुछ इस तरह बन जाता है। इस तरह हम बड़े पीस को भी काट, इस तरह हम दोनों पीस को ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। दोनों पीस के सेंटर में हमने जो 1 इंच का, 2 इंच का जो गोला बनाते हैं, 1 इंच इधर से लेके फिर हम ये पूरा गोला बनाते हैं तो 2 इंच का हो जाता है दोनों तरफ, इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये दोनों में हमें 2-2 इंच के सेंटर में गोले बनाते हैं, दोनों गोलों को हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इस तरह के 2 कलर के सनील का कपड़ा लेते हैं, एक हम क्रीम कलर का लेते हैं और एक मैंने रेड कलर का लिया है। आप कोई भी 2 कलर के कपड़े चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों कपड़ों के ऊपर मैं इन्हें पेस्ट कर लेती हूँ। अब हमने दोनों पीसों को टेट्रोन से पेस्ट कर लिया। बड़े वाले पीस को पीछे की तरफ मैंने एक सिंपल कपड़े से भी, फेविकोल से चिपका लिया है, पीछे से भी चिपका लिया और बीच में हमने टेट्रोन से पेस्ट कर लिया। इसे दूसरे पीस को कर लिया हमने, दूसरे पीस के पीछे हमको दूसरा कपड़ा नहीं चिपकाना है। इसे दोनों पीस हमने तैयार कर लिए। अब इन जो हमारे एक कोने हैं, इन कोनों को हम हल्का हल्का सा, सभी कोनों को हम इस तरह फोल्ड कर लेते हैं, सभी कोनों को हम इस तरह फोल्ड कर लेते हैं जी। लाइन बनती है, इस लाइन के ऊपर जो हमारे सेंटर का, जो हमारा ये रेड कलर का पीस है, इस वाले पीस में जो ये पत्ती बनती है, इसके ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा, ये पत्ती के जो बीच वाला हिस्सा है जो इसके बीच में आता है यहाँ पे, इस तरह से इसको यहीं की हम फेविकोल से चिपका देते हैं। हमारे बीच वाले पीस को बड़े पीस के ऊपर हम फेविकोल से चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद हम स्टोन चैन से इसे डेकोरेट करते हैं।
तो चैन से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमने ये लाइन बनाई थी। दूसरे वाले लाइन तक लाके अपने स्टोन चैन को हम कट कर लेते हैं। अब दूसरी लाइन हम इसके पास से शुरू करते हैं। उसके पास से यहाँ से दूसरी लाइन शुरू करते हैं, इस तरह लगाते हुए हम उसे पूरा कर लेते हैं। इस तरह सभी जगह हमने स्टोन चेन लगा लिए। अब हम बीच वाले हिस्से पे भी स्टोन चेन लगाएंगे। बीच वाले हिस्से पे स्टोन चेन हम इस तरह से लगाते हैं जो हमारे दोनों दोनों जहाँ पे स्टोन चेन की चैनें आती हैं वहाँ पे इस वाले ये वाला बीच वाला हिस्सा आएगा। इसे यहाँ से बीच में से शुरू करते हैं, शुरू करते हुए इसको इस तरह लेके आते हैं। इस तरह हम बीच वाले से भी सभी जगह स्टोन चैन लगा लेते हैं। सभी जगह हमने स्टोन चैन लगा ली। जब लाइट क्रीम कलर की शनील है वहाँ पे तो हम क्रीम कलर के स्टोन लगाएंगे और जहाँ पे रेड कलर की शनील है वहाँ पे हम रेड कलर के स्टोन लगाते हैं। यहाँ पे तो हम रेड कलर के स्टोन लगाते हैं। क्रीम के ऊपर हम क्रीम कलर के स्टोन लगाते हैं। इस तरह सभी जगह स्टोन लगा लेते हैं। इस तरह सभी जगह हमने स्टोन लगा लिए। अब स्टोन के ऊपर हम बॉल चैन लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये हमारे क्रीम कलर की जो कपड़ा है उसके ऊपर हमने ये वाइट कलर का स्टोन लगाया, इसके ऊपर हम ये रेड कलर की बॉल चैन लगाएंगे। और जहाँ पे रेड कलर का स्टोन लगाया वहाँ पर हम वाइट कलर की स्टोन चैन लगाते हैं, तो इसके ऊपर हम ये स्टोन चैन लगाते हैं। इस तरह स्टोन के चारों तरफ राउंड करते हुए स्टोन चेन को नीचे ले जाते हैं, हम कट कर देते हैं। और जो हमारा रेड कलर का स्टोन है वहाँ पे हम वाइट कलर की स्टोन चेन लगाते हैं। इस तरह हम सभी जगह ये बॉल चैन लगा लेते हैं। अब सभी जगह हमने बॉल चैन लगा ली, यहाँ पे रेड कलर की, यहाँ पे वाइट कलर की, सभी जगह हमने बॉल चैन लगा ली। अब बची हुई जगह पे हम यहाँ पे जो हमने ये वाला स्टोन लगाया था इसे छोटे वाले साइज के स्टोन लेंगे और यहाँ पे हम स्टोन लगाएंगे। इस तरह सभी जगह हम छोटे स्टोन लगाते हैं। रेड वाले में वाइट कलर इस तरह सभी जगह स्टोन लगा के इसे पूरा कर लेते। इस तरह हमने सभी जगह स्टोन लगा लिए, इस तरह हमारा ये घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चोली के लिए साढ़े दस की लंबाई की और सवा इंच चौड़ाई की एक लंबी पट्टी लेते हैं। इस
पट्टी के हम दो पीस कर लेते हैं। पीछे की तरफ मैंने इसमें पेस्टिंग से पेस्ट कर लिया, पेस्टिंग वाली बुकरम से इसे पेस्ट कर लिया है। इसके मैं दो पीस कर लेती हूँ। इस तरह हमारी ये दोनों चोली के पीस बन जाते हैं। ऐसे में यहाँ से स्टोन चेन से डेकोरेट करते हैं। उन चारों तरफ ये स्टोन चेन लगा लिए। एक पट्टी के अंदर हम ये थोड़ा सा ऐसा छोड़ देते हैं, यहाँ से हम इसे दूसरे पीस से अटैच करेंगे इस तरह। हम इसके दोनों तरफ व्हाइट स्टोन लगा देते हैं। इसके चारों तरफ रेड कलर की बोल चेन लगा देंगे। और जिस तरह हमने घेरे में बनाया था रेड कलर की बोल चेन लगा के, साइडों में हम छोटे वाले रेड कलर के स्टोन से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने चोली की दोनों पट्टियां तैयार कर ली हैं। एक दूसरे से हम इनको ग्लू गन की मदद से चिपका देते हैं। इस तरह हमारी चोली तैयार होगी। इस चोली को हम घेरे से अटैच कर देते हैं। घेरे से अटैच करने के लिए हम ग्लू गन से इसे इस तरह इसे दूसरी तरफ से चिपका देते हैं। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। बनने के बाद कुछ हमारी ड्रेस इस तरह की बनती है। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।